हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कोर्स एट का है, नॉलेज एंड करिकुलम का। बहुत ही 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। एक अच्छे पाठ्यचर्या के निर्माण प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी का वर्णन करें। इसमें हम लोग यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ICT क्या है। ICT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट, इसका होता है ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना संप्रेषण बोलते हैं। और इसी के बारे में जानेंगे कि हमारे करिकुलम को कैसे इसको निर्माण में मदद करता है, कैसे हेल्प करता है, कैसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रस्तावना पे ध्यान देंगे। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि आज का युग सूचना संप्रेषण तकनीकी का युग है। इस बात से तो हम में से कोई अनभिज्ञ नहीं है कि आज का युग क्या है। आज का युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और हम सभी, यानी सारा दुनिया एक छत के नीचे आ गया है। हम यहाँ इंडिया में बैठे अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं, जापान के लोगों से बात कर सकते हैं, यानी कोई समस्या नहीं है। हम कठिन से कठिन नॉलेज गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे एजुकेशन एरिया में भी कितना मदद कर रहा है, मानिए कि जो बच्चे गाँव में रहते हैं, चाहे जो जिसके पास कम पैसा है और जो एफर्ड नहीं कर सकता है ज़्यादा पैसा, वो क्या कर सकता है, इजीली यूट्यूब से पढ़ाई कर सकता है, गूगल से कर सकता है। कोई कठिन वर्ड है हम उस पर देख सकते हैं। तो एक जानकारी का अनेक प्रकार का ये एक माध्यम है जो कठिन से कठिन जानकारी हासिल करने में हमें मदद करता है। तो हम सभी इस बात से परिचित है कि आज का युग क्या है, ICT का युग है। और आजकल ज्ञान का आधार सूचना एवं तकनीकी है। अभी हम लोग समझे हैं कि आज का जो युग है, एज है, युग है, क्या है, ज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का युग है। सूचना या ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह जो प्रक्रिया है, जब हम लोग जन्म लेते हैं उस समय से लेकर जब तक हम लोग कब्र में नहीं जाते तब तक चलती रहती है। सूचना प्राप्ति कर मानव इसका विश्लेषण संश्लेषण कर संप्रत्ययों का निर्माण कर सकता है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है टुकड़ों में बांट बांट के समझना, मतलब उसको टुकड़ों में बांट बांट के हम लोग समझते हैं। फिर क्या करते हैं, संश्लेषण यानी सिंथेसिस, फिर उसको जोड़ते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं, तब हमारा कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। और अपने आप को वातावरण में समायोजित करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक बुद्धि कहते हैं। हमारे पास जो नॉलेज होता है उसको क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट द्वारा क्लियर करते हैं। और फिर हम जिस वातावरण में रहते हैं या किसी वातावरण में जाए, हम इजीली अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यानी समायोजित कर लेते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक हमारे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट बुद्धि कहते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, इन्फॉर्मेशन होगा, INFORMATION इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी इसको अब हम लोग समझेंगे। एक अच्छे पाठ्यचर्या के निर्माण प्रक्रिया में सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना या ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके प्राप्ति के माध्यम एवं स्रोत अनेक हो सकते हैं। देखिए, हमारा जो ये सूचना प्राप्त करने के करते हैं, जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो जीवन पर्यंत चलता है। और कहाँ से नॉलेज हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, समाचार पत्र हुआ, पत्रिकाएँ हुआ, ये सारे क्या करते हैं, हमारे नॉलेज प्राप्त करने के साधन बन जाते हैं। आगे हम लोग समझेंगे, सूचना प्राप्ति के स्रोत अनेक होते हैं, अनेक प्रकार से हो सकते हैं, औपचारिक रूप से भी हो सकते हैं, अनौपचारिक रूप से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। औपचारिक का मतलब होता है कि जिसे हमको मेहनत लगती है, यानी जो औपचारिक शिक्षा हो गया, जैसे विद्यालय में जाकर प्राप्त करते हैं, यानी उसमें क्या होता है, अधिगम कठिन होता है, उसे हमें सीखना पड़ता है। अनौपचारिक हो गया कि हम रोड पर चल फिर रहे हैं, हमें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया। अब हम गए कहीं, देखे कि कोई दुकान में चाहे मॉल में कोई है, कुछ चोरी कर लिया, चोरी किया तो मॉल वाला पकड़ लिया, फिर उसका जमकर धुलाई हुआ, जेल भी गया। तो इससे क्या हुआ, हमको मतलब हमको
परेशानी नहीं हुई, कोई कठिनाई हुई अधिगम नहीं हुई सीखने में, हम इसे अक्वायर कर लिए, अपने आप सीख लिए कि अरे चोरी नहीं करना चाहिए, देखो चोरी करने का क्या सजा मिलता है, यानी चलता फिरता नॉलेज हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे अनौपचारिक कहेंगे, ठीक है। एक प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट रूप से भी नॉलेज हमें हो जाता है या किसी तीसरे के द्वारा होता है, ठीक है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सभी प्राय औजारों उपकरण तथा अनुप्रयोग आधार से युक्त एक ऐसी तकनीक है जो सूचना के संग्रहण, भंडारण, उपयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण एवं विश्लेषण आदि के विश्वसनीय में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए हमारा जो इस सूचना संप्रेषण है, इससे क्या होता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी के आधार पर हम क्या कर पाते हैं, हम सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं, फिर उसका भंडारण हो पाता है, फिर उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े में बांट कर समझते हैं, फिर एक दूसरे से जोड़ के कोरिलेट करके समझते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, हमारे आकलन में सही उतर पाता है और ये मूल्यांकन सही हो पाता है। इसी को तो ये क्या हो जाता है, इसमें वैधता हो जाती है, विश्वसनीयता हो जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, ज्ञानवर्धन होता है और अपनी निर्णय समस्या समाधान योग्यता में वृद्धि करने में सहायक होता है। और हम किसी भी प्रकार का समस्या हमारे पास, उसका समाधान करने में क्या होता है, सहायक होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT इन एजुकेशन में आखिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग में समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। वर्तमान युग में सूचना एवं संप्रेषण को भी शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया है। देखिए वर्तमान अभी का जो युग है, प्रेजेंट टाइम है, इसमें क्या गया है, किया गया है, ICT को एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया। आखिर क्यों जोड़ दिया गया, इसीलिए कि हमारा जो शिक्षा पत्ती हो उबाऊ न हो, नीरस न हो, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़े। अब मॉन्टेसरी में देखिए बच्चों को डायरेक्ट सिखाइएगा, बोलो क ख ग घ ङ, बच्चों को मन नहीं लगेगा। और हमारा साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट सभी का मानना है कि हमारी इंद्रिया जो होती है, जो हमारा सेंसेस होता है, कब ज़्यादा एक्टिव होता है, जब हम किसी चीज़ को देख कर सुनते हैं। जैसे हमारा टीवी है, टीवी क्या है, दृश्य और श्रव्य साधन है, उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो उस समय हमारी इंद्रिया बहुत एक्टिव होती है। आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग कोई फिल्म सीरियल कुछ भी देखें, तुरंत याद हो जाता है, सारे एक्टर एक्ट्रेस का नाम भी याद हो जाता है। वहीं पढ़ने बैठे तो जल्दी नहीं याद होता है, क्योंकि इस समय हमारी एक्टर जो हमारी इंद्रिया होती है एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन जब हम टीवी देखते हैं तो हमारी इंद्रिया एक्टिव रहती है। अब जैसे बच्चे हैं, उनको यदि कंप्यूटर के द्वारा हम सिखाएंगे क क क फ क से क्या होगा, कमल, ए फॉर एप्पल, अब दिखाया जाएगा कि भाई कमल ऐसे होता है, एप्पल ऐसा, बच्चों को एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी क्या करता है, ज्ञानवर्धन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। जीवन पर्यंत अधिगम के सिद्धांत चलती रहती है, इसके लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता होती है। तो जीवन पर्यंत चूँकि हमारा अधिगम चलता रहता है, तो हमारा अधिगम क्या उबाऊ ना हो, तो इसके लिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी होता है। शिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता होती है। और हमारा जो टीचिंग मेथड है, उसकी क्वालिटी और बनी रहे और टिकाऊ हो, ड्यूरेबल हो, इसके लिए भी क्या होता है, ICT बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। अब नेक्स्ट समझेंगे, शिक्षा और सूचना को प्राप्त करने के साथ अवसरों को बढ़ावा देती है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होते हैं, हमें अवसर भी मिलते हैं। विद्यार्थियों में तकनीकी साक्षरता को लोकप्रिय बनाना, और टेक्नोलॉजी इस प्रकार क्या होता है, स्टूडेंट के बीच में लोकप्रिय बन जाता है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखने लगते हैं। दूरस्थ शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, देखिए दूरस्थ शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा होता है डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे आजकल हम लोग जैसे देखिए इग्नू से BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, BDED कर लेते हैं, आखिर क्या है, दूरस्थ शिक्षा है, यानी घर बैठे हम सारी डिग्रियां ले रहे हैं, ना कॉलेज जाना पड़ रहा है, ना स्कूल जाना पड़ रहा है, घर बैठे हमारे पास बुक आ जाते हैं, इजीली हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, और नॉलेज भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव है, ये भी टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। परंपरागत शिक्षण को रूपांतरित करना, और हमारे जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन प्रणाली चली आ रही है, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के ही द्वारा। शिक्षण केंद्रीय शिक्षा को बाल केंद्रीय शिक्षा में बदलना, पहले क्या था, पहले जो शिक्षा था टीचर सेंटर्ड था, अभी शिक्षा क्या हो गया है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। तो किसके कारण हो गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया। रटंत अधिगम को समाप्त करना, अभी आप लोग को
तो मालूम है NCP 2005 है, बिल्कुल विरोध करता है कि रटने पर बल नहीं देना है, बच्चों को क्या रचनात्मक कार्य देना है, बच्चों को रटने पर बल नहीं देना है। इसीलिए मतलब जो करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, रटंत नहीं होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रोग्रेसिव शिक्षा होना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ इसमें हम समझेंगे आखिर सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ICT की प्रमुख आवश्यकता उसके महत्व है जो है इस प्रकार है, इसको समझेंगे। दिनों दिन शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्व होती है। कैसे होती है, दिनों दिन क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही शिक्षा के प्रति आजकल क्या है, सभी व्यक्ति जागरूक हो रहे हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, सभी क्या चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या हो, एजुकेशन प्राप्त करें, सब कोई मतलब जागरूक है। तो ये क्या है, ये ICT के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। सूचना संप्रेषण तकनीकी छात्रों की योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने का अच्छा उपकरण है। देखिए, सूचना जो संप्रेषण तकनीकी है तो बच्चों का जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो हम अच्छी तरह जानते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है, उसी अनुसार उसका करिकुलम हो तो ये कौन मदद करता है, हमारा ICT मदद करता है। ICT तकनीकी का व्यापक प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जाता है। ICT जो होता है क्या करता है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको सरल बना देता है, सुगम बना देता है। जैसे मैंने कि साइंस का क्लास है तो बच्चे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसको प्रयोगशाला में ले जाया जाएगा, तो कुछ वो अपना भी प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, मेंटली रूप से क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे और किसी भी सब्जेक्ट को समझने में उनको मदद मिलेगा, यानी रटंत पद्धति को समाप्त करेगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा का सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। देखिए, शिक्षा का जो भी मीडियम हो, चाहे औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, चाहे निरौपचारिक हो, ये सभी प्रकार में क्या करता है, ICT बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक सशक्त किया है। देखिए, आज हम लोग जो डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे जो भी करते हैं, ICT क्या है, एकदम उसको मजबूत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक सशक्त बना दिया है। ICT तकनीकी का बहुधा प्रयोग सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों में एक लोकप्रिय साधन के रूप में किया जाता है। आजकल ICT का प्रयोग क्या है, बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर लिया है और पॉपुलर हो गया है, और वो अपना एक अलग इम्पोर्टेंस बना के रखा है। सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षण एवं अधिगम विद्या को अत्यंत रोचक बनाता है। जो ICT क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, यह हमारे लर्निंग एजुकेशन को क्या कर रहा है, रोचक बना दिया, बच्चे उबाऊ फील नहीं करते हैं, खुशी खुशी के साथ पढ़ते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा बच्चों के अधिगम में चिरस्थायी बनाया जा सकता है। देखिए, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है, बच्चे जो अधिगम करते हैं उनके दिमाग में छप जाती है। जैसे अगर हम 6th क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उसे कंप्यूटर द्वारा दिखा दें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा था, चाहे वहाँ पर जो भी मिला है, हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, कालीबंगा मिला है, चाहे आपको लूथल हुआ, ये सारे चीज़ों को दिखा देंगे तो बच्चे का क्या होगा, अगर मैपिंग करके कंप्यूटर द्वारा उसको देख लेगा बच्चे, एकदम उसके दिमाग में क्या होगा, एकदम बैठ जाएगा, और बच्चे क्या हो जाएंगे, एकदम उनके दिमाग की छवि बैठ जाएगी, उनके लिए याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्व जनसाधारण को सामान्य शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक महत्व है। जैसे जनसाधारण लोग हैं, उनको एजुकेशन प्राप्त करना है, तो इसमें भी ICT अपना महत्वपूर्ण रोल करता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी छात्रों के ध्यान के केंद्रीकरण में अत्यंत उपयोगी है। बच्चों का ध्यान एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर बच्चे पढ़े उसे समझे, इसमें भी ICT अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।